गुरु चेंगन्नूर रमन पिल्लई कथकली नृत्य के जीवित सबसे बड़े गुरु दक्षिण केरल के एक गांव चेंगन्नूर में लगभग 100 साल पहले सन 1884 में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्हें कथकली की लगन थी। सौभाग्य से उन्हें अपने पिता से, जो एक चुट्टी कलाकार थे, और अपने चाचा से, जो एक अभिनेता थे, बराबर प्रेरणा मिली। शुरू में उनको प्रशिक्षण थकाजी केशव पानिक्कर और अम्बालापूजा कुंजू कृष्ण पानिक्कर से मिला। सत्तर से भी अधिक वर्षों से इनका इस कला में एक अनोखा स्थान रहा है। कथकली के इतिहास में और किसी को ऐसा गौरव नहीं मिला। पूछने पर कि बीते दिन याद करके आपको कैसा लगता है, उन्होंने कहा, अच्छा लगता है, मैं संतुष्ट हूँ। महान अनुभवी होने के कारण इनका आजकल के कथकली कलाकारों से कहना है कि धीरज और मेहनत से सफलता मिलती है, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। रामन पिल्ले को 19 साल की आयु में ही शोहरत मिल गई जब उन्होंने कीचक की मुख्य भूमिका अदा की थी। 25 साल की आयु में ही उन्होंने कथकली की लगभग सभी मुख्य भूमिकाएं कर ली थी।
Thank you.
शरीर और चेहरे से चेंगनूर ऐसे हैं कि वे जो भी भूमिका करते हैं उसमें चार चांद लगा देते हैं। ये बात कत्ती भूमिकाओं के बारे में विशेष तौर पर सच है। रामन पिल्ले 42 साल की उम्र में शाही कथकली दल के सदस्य बन गए। ये दल त्रावणकोर के महाराजाओं के पास होते थे। आगे चलकर ये इस दल के प्रमुख बन गए, जो एक कथकली अभिनेता के लिए बड़ी चाहत की चीज होती है। सन 1964 में चेंगन्नूर को कथकली के लिए भारत के राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया। सन 1971 में उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। रामन पिल्ले ने गुरुकुल पद्धति से कथकली कलाकारों की पीढ़ियां प्रशिक्षित की। Thank you.
कला सेवा के 70 वर्षों में चेंगन्नूर को दर्शकों से बहुत प्रशंसा मिली। इनकी अनोखी प्रशंसा वाली बात यह है कि इन्होंने अपनी कला के प्रति सच्चाई के साथ एक ऐसे युग का गौरव बनाए रखा जो तेजी से मिट रहा है। तब कथकली का रूप और था, संस्कृति और विश्राम की गति वाला। आज भी चेंगन्नूर इसकी झलक दिखा सकते हैं। चेंगन्नूर कथकली परंपरा के प्रतीक हैं। Thank you.